हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आयु से संबंधित ट्रिक के बारे में। ये ट्रिक का एक दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को पहले देखें, उसके बाद ही इस पार्ट को देखें। इस पार्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है उससे, और इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे एकदम आसानी से प्रश्नों के उत्तर को एकदम आसानी से एकदम 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड तक में आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। किसी भी तरह का अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम बैठते हैं जिसमें अंक गणित का अगर सिलेबस में है तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जनरली इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आप हो सकता है आप समय का बचत कैसे करना है ये सीख पाएं, और कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक के साथ हम कैसे आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है मैंने, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब देखिए, 7 वर्ष पहले की बात है। देखिए, 3 तरह की बातें हो रही है इसमें। एक वर्तमान की बात होती है जिसमें अभी जो चल रहा है, दूसरा एक बीता हुआ जिसमें 7 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इतना मेरा अनुपात था, उसके बाद तीसरा हो जाता है फ्यूचर कि इतने साल बाद इतना अनुपात हो जाएगा। तो 3 चीजें हैं, 7 वर्ष पहले की बात की गई है और 7 वर्ष बाद की बात की गई है, और वर्तमान आयु को दिया गया है, इसमें से आपको छांटना है। तो चलिए बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कितना था? 4:5 था। 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष पहले की दी गई है और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में होगा। तो ये 5:6 हो जाएगा कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको किसका आयु निकालना है? बी का, ठीक। तो हमको बी से रिलेटेड जो अनुपात है, जो उसका रेशियो है, जो है ना, उसी को हमको ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो देखिए, यहाँ ए और बी, तो ए जो है ए 4 हो गया, बी का हो गया 5। उसी तरह यहाँ ए का हो गया 5 और बी का हो गया 6। तो यहाँ जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि ए का 4 और बी कहाँ जाएगा? 5 की ओर जाएगा, और फिर ए 5 की ओर जाएगा और बी 6 की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, है ना। तो एक बार पुनः बता देता हूँ, ए का अनुपात 4 की तरफ और बी का अनुपात 5 की तरफ, और यहां से हम देखते हैं तो 7 वर्ष बाद ए का अनुपात 5 की तरफ, बी का अनुपात 6 की तरफ होगा, ठीक। तो जिसका हमको आयु निकालना है उसी से रिलेटेड संख्या को लेना है। बी से रिलेटेड संख्या यहाँ 5 है और 6 है, जैसे कि हम अनुपात में देख पा रहे हैं 5 और 6, और ये 4 और 5 एक है, ठीक। अब बात करते हैं 7 वर्ष पहले की बात की गई है, चूंकि वर्तमान आयु हमको दे दिया गया है ऑप्शन में, ठीक। वर्तमान आयु हमको क्या कर दिया गया? दे दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए 7 वर्ष पहले, मतलब हमको क्या करना है ट्रिक में, 7 वर्ष इसको घटा देना है, सब में 7 वर्ष घटा देना है, और उसको हमको किससे भाग देना है? किससे भाग देना है? जो पहले वाला 7 वर्ष पहले जो अनुपात दिया गया था उसमें से बी से रिलेटेड जो संख्या है, मतलब 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है 7 वर्ष इसमें घटाकर, ठीक। तो जो संख्या भाग जाएगा वो उत्तर हो सकता है। अब देखते हैं, 56 में से 7 घटा देंगे, बचा क्या? 49, 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, 63 में से हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 3 और 4 56, 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये उत्तर नहीं है। 70 में से हम 7 घटा देते हैं तो 63, जो कि 5 से विभाजित नहीं है, जैसे कि यहाँ से 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए भी उत्तर नहीं होगा। बात करते हैं 77 में से 7 घटा देते हैं, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात की है, 7 वर्ष घटा देते हैं तो ये 70 जो कि 5 से विभाजित है, ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है, ठीक। तो ये अभी देखेंगे ये उत्तर कैसे में ये उत्तर सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप डेफिनेटली इसी को राइट मार दें और अगला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ करके आपको बताएंगे, ठीक। 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः 5:6 होगा, कितना हो जाएगा? 7 वर्ष बाद, ये तो 7 वर्ष पहले की बात थी, अब 7 वर्ष बाद की है, 7 वर्ष बाद कह रहे हैं, इसलिए इसमें 7 साल जोड़ देंगे, उसके बाद हम 6 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये बी 6 से रिलेटेड संख्या है ना, हर वाला है, तो ये बी 6 से रिलेटेड संख्या 7 वर्ष बाद का है, 7 वर्ष पहले का है,
तो 6 से हम भाग देंगे इसे 7 जोड़कर, तो जो संख्या विभाजित होगा वही संख्या इसका आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं, 56 और हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 63, जो कि 6 से विभाजित नहीं है, तो ये इसका गलत उत्तर हो गया। फिर इस 63 में हम क्या जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं, तो 63 और 6 हो गया 69, जो कि 6 से विभाजित नहीं है। ठीक, 70 में हम कितना जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं, 77 जो कि 6 से विभाजित नहीं है। अब 77 में हम 7 जोड़ देते हैं, तो 77 और 3 हो गया आपका 70 और 4 हो गया 84, ये संख्या जो है कि 6 से विभाजित है ना, 14 6 84 होता है, इसलिए संख्या विभाजित है, इसलिए जो 77 है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बिना पेन कॉपी पेंसिल के आप ओरल मौखिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बहुत बड़ा है स्पीच दिया है, आपको ये स्पीच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ। 20 से रिलेटेड संख्या क्या है, 5 है, 5 है, और 7 घटा के 5 से भाग दे दो भाई, 56 से 7 घटा दो तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 63 में से 7 घट गया कितना बच गया, 56 या 5 से भाग नहीं जाएगा, 70 में से हम 7 घटा दिए ये भी 5 से भाग नहीं जाएगा, है ना, तो और 77 में से 7 घटा दिए तो भाई 70 बचेगा, 70 5 से विभाजित है। ठीक, तो ये यहाँ से 50% आंसर सही हो गया। और बात करते हैं हम बी, इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या ये जो संख्या है डायरेक्टली इसी को, है ना, डायरेक्टली इसी को हम क्या कर देंगे, 77 में 7 जोड़ देंगे, 77 में 84 जो है कि 6 से विभाजित होगा, 6 से इसलिए विभाजित होगा क्योंकि हम बी से रिलेटेड संख्या से भाग देना है हमको। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बी की वर्तमान आयु को हमको पता करना है, ए से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो ये 77 84 हो, ये 84 भाग जा रहा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि अब इसको भी हमको चेक करके देखना है क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये भी चला भाग चला जा रहा हो। ठीक, क्योंकि पहले ही कैंसिल आउट हो चुके हैं, है ना, इसलिए आंसर हो ही नहीं सकता, तो यहीं से हमको ये पता चल जाता है ये आंसर हमारा सही है और इस बी की वर्तमान आयु यही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को मैंने जरूर देखे, मैं भी इस तरह के बहुत सारे ट्रिक वाली वीडियोज लाते रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का घंटा डेफिनेटली प्रेस कर दें ताकि जब भी नए वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और इस तरह के ट्रिकी वीडियो आपके लिए बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगी, और इजी मैथ चैनल आपके साथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टडी जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।